हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे उन सब सब्सक्राइबर्स के लिए जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं बट उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि 12th के बाद में हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सो अगर आप 12th पास आपने अभी अभी की है एंड अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मुझे एयर होस्टेस बनना है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं करना है, या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए, तो सारे जो स्टेप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। सो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट जैसे फ्रैंकलिन वगैरह आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तब भी आप इजीली कैबिन क्रू बन सकते हैं। आपको कुछ कुछ चीजों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा एविएशन इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि 12th पास करने के बाद में हमें कैबिन क्रू अगर बनना है तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी ही है, हमारे पास कुछ कोर्स या कुछ डिग्री होनी चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए। तो आपकी मैं ये डाउट दूर कर दूं कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपको किसी भी डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो आपसे कोई भी डिग्री या कुछ भी आपसे नहीं मांगेंगे एंड अगर आपको कोई भी प्रेफरेंस भी नहीं मिलती है अगर आपके पास फ्रैंकलिन की कोई डिग्री हो या कोई भी आपके पास डिग्री हो। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जो भी कैबिन क्रू बनने का पूरा प्रोसीजर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले आपने 12th पास की है सो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है एयरलाइंस के बारे में, आपको जानना है जैसे इंडिया में कौन कौन से डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, विस्तारा है इंडिया में एंड स्पाइस जेट है, इंडिगो है, ट्रू जेट है, एयर इंडिया, जितनी भी एयरलाइंस है आपको इनके बारे में रीड करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके रीड करना है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एयरलाइन का क्या मैं उसमें फिट हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर हाइट है 155 सेंटीमीटर सो मुझे ये फाइंड करना है कि कौन कौन सी ऐसी एयरलाइंस हैं जिसमें मैं अप्लाई कर सकती हूँ, बिकॉज किसी किसी एयरलाइन में अगर आप कैबिन क्रू एज अ कैबिन क्रू ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसी में मिनिमम हाइट होती है 155 सेंटीमीटर, बल्कि किसी में 160 सेंटीमीटर भी होती है। तो इस तरह से आपको आपकी अकॉर्डिंग एक एयरलाइन आपको चूज करनी है कि मैं इन इन एयरलाइंस में इंटरव्यू दे सकती हूँ, मैं इन इन एयरलाइंस के लिए एलिजिबल हूँ, राइट। उसके बाद में आपको सारी जो वेबसाइट्स हैं जितनी भी आपकी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनकी वेबसाइट्स को आपको अच्छे से रीड करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको रीड करना है। बट देन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अब हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट का हमें कैसे पता चले, बिकॉज अगर आप गूगल पे जाएंगे अगर आप ऐसे टाइप करेंगे इंडिगो तो आपके सामने बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी आएंगी। तो इसका ये सोल्यूशन है कि इसमें मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, मैप एविएशन करियर। सो इस एप्लीकेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं एंड आपको कुछ भी पता नहीं है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, क्या स्टार्ट करूं। आपको इसमें कुछ भी पैसे वैसे लाइक एनरोल करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इसको फ्री में यूज करना चाहते हैं तो फ्री में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है एंड जितने भी इंटरव्यूज होंगे उन इंटरव्यूज की डेट क्या है, लोकेशन क्या है, कैसे कैसे राउंड्स हैं वो आपको सब पता चल जाएंगे। एंड उसी के साथ में आपको आप ऑनलाइन अप्लाई भी वहीं से कर सकते हैं 12th के बाद में, जस्ट आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। एंड जितने भी कैबिन क्रू के इंटरव्यू हैं, पहले ये हुआ करता था कि हमें सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, हमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, बट कोविड के बाद में हमें ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आप वॉक इन के बिना आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। तो इस तरह से आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना है, सारे एयरलाइंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए एंड वो मैं भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब दे दूंगी ताकि आप अच्छे से उनको रीड कर सकें, जितने भी डोमेस्टिक जितने भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं। इसके अलावा देन जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ी, देन उसके बाद में आपको अपना सीवी और रिज्यूमे बनाना आपको स्टार्ट करना है। सो सीवी आपको कैसे बनानी है, सीवी रिज्यूमे और सीवी क्या होता है, जैसे हम किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू में ही नहीं अगर हम किसी और इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो हमें इंटरव्यूअर को अपना अपने बारे में कुछ बताना होता है, हमें अपने बारे में बताना होता है हमने क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं एंड क्या क्या हमें पसंद है, क्या क्या हमारे स्किल्स हैं, ये सब हमें बताना होता है। तो आपको अगर नहीं आता है कि सीवी कैसे बनाना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी कैबिन क्रूज ने इस सीवी बनाने पे वीडियोस बना रखे हैं एंड मैंने भी एक आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है सीवी बनाने पे। तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपके लिए सीवी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सीवी भी आपकी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होनी चाहिए, हटके होनी चाहिए, सारे जो अलग आपके कैंडिडेट्स हैं उनसे थोड़ा अलग होनी चाहिए। तो अगर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स चाहिए सीवी बनाने के लिए, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको जो मेरा ये वीडियो है कि हाउ टू मेक रेज्यूमे या सीवी, तो आप उस वीडियो में जा सकते हैं, कैसे कैसे आपको बनाना है एकदम इजी है। आपको सिर्फ उसमें टाइप करना है कि आपके स्किल्स वगैरह क्या है, आपको क्या क्या पसंद है, बाकी उसमें आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा, राइट। सीवी बनाने के बाद में आपको अपनी जो पिक्चर्स हैं वो आपको क्लिक करवानी है।
सो मुझे आपके काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि मुझे कैबिन क्रू बनना है बट क्या मैं अपने फोन से पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ. तो इसका आंसर है कि आप अपने फोन से अपनी पिक्चर्स क्लिक नहीं करें बिकॉज वो बहुत ज्यादा ब्लर आएंगी एंड वो प्रोफेशनल भी नहीं दिखेंगी. तो अगर आपको जानना है कि प्रोफेशनल पिक्चर्स कैसे आप क्लिक करवा सकते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए हाउ टू गेट रेडी फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. तो उस वीडियो की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो वो जो वीडियो में मैंने खुद की एक पिक्चर है उसमें मैंने आपको बताया है कि इस तरह से आप रेडी हो सकते हैं. तो उसी तरह की आप पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं. आपका फॉर्मल अटायर होना चाहिए, बन वगैरह आप बना के आपको रखना है एंड मेकअप वगैरह अच्छे से किया हुआ होना चाहिए. सो पिक्चर्स आप क्लिक करवाने के बाद में आप एक्स्ट्रा करवा सकते हैं पिक्चर्स क्लिक बिकॉज आप जितने भी इंटरव्यूज में जाएंगे आपको हमेशा एक फुल पिक्चर चाहिए एंड अपनी स्मॉल पिक्चर्स भी चाहिए, राइट. सो अब हम लोग पूरी हमने तैयारी कर ली है, एयरलाइंस के बारे में हमने रिसर्च कर लिया, हमें सारी एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट्स के बारे में पता है, सीवी हमने बना लिया है, पिक्चर्स हमने क्लिक करवा ली है. सो अब आप इंटरव्यू के लिए स्टार्ट कर सकते हैं. आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इस पर मैंने पूरा मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ इसी पे है कि कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए हम लोग तैयारी कैसे करें. तो मेरे चैनल पे काफी सारी प्लेलिस्ट है, हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, जिन टॉपिक्स को कैसे क्लियर करना है एंड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बहुत सारे वीडियो, आई थिंक 100 से भी ज्यादा वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे हैं कि आपको कैबिन क्रू का इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है. सो प्लीज आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और सारे वीडियोस को ढूंढें. कुछ भी अगर डाउट्स हो तो मैं आपको स्पेशली कमेंट्स में भी मैं आपको वीडियोस की लिंक सेंड कर दूंगी. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. सो उसके बाद में आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है एंड देन आपको पता करना है कि इंटरव्यू किस किस दिन है, कब है, क्या है. तो उसका हमारे पास सोल्यूशन है मैप एविएशन करियर. तो मैप एविएशन करियर वेबसाइट की हेल्प से आपको सारी जितनी भी एयरलाइंस है उनकी इंटरव्यू कब कब है, आप इंटरव्यू के कितने राउंड्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी डिटेल्स आपको इस ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी. ऐप अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो आप इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं. सो इस तरह से आपको इंटरव्यू को क्रैक करना है, इंटरव्यू आपको देना है. मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि लाइक मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया, 3 बार इंटरव्यू दिया बट फिर भी मेरा मुझे सिलेक्ट नहीं किया. सो इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज जब तक आप ट्राई कीजिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो बिकॉज इसमें टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन भी है. बट आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, अगर आज नहीं हुआ तो कल तो होगा ही. सो जितने भी इंटरव्यूज हो, जितनी भी एयरलाइंस की, प्लीज सबके लिए ट्राई करें एंड ट्राई करते जाएं. हमेशा अपनी जो कैंडिडेट्स आते हैं और कैंडिडेट्स उनसे आप बात कीजिए इंटरव्यू में. इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो इंग्लिश में उनसे बात कीजिए, हिंदी अगर आपकी वीक है तो हिंदी में आप उनसे बात कीजिए. देन आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं कि लाइक मुझे प्लीज आप बताइए कि मैं कैसे खुद पे वर्क करूं, कैसे मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करूं. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको मैंने थोड़ा ब्रीफ में सब कुछ समझा दिया हो कि 12th के बाद में अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए. एंड कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.